जनपद मुख्यालय बाजार में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ बाजार में खड़े पेड़ यातायात को प्रभावित कर रहे हैं, साथ ही आमजन के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। पहले भी इन पेड़ों की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। रुद्रप्रयाग शहर के नए बस स्टैंड व पुराने बस स्टैंड पर कई सूखे और अन्य पेड़ खड़े हैं, जो कि काफी बड़े हैं। आंधी तूफान के दौरान इनकी टहनियां टूटती रहती हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे होने से टल चुके हैं। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष गीता झिंकवान का कहना है कि इन पेड़ों से जानमाल को खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर वन विभाग को पत्र लिखा गया है। विभागीय स्तर पर सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही पेड़ों को कटवा लिया जाएगा। बसड़ और रुद्रप्रयाग डाटपुर के तीन पेड़ सिंबल टून आम जो कि जींद सिंह हालत में है, उन्हें जड़ से काटने के लिए कार्रवाई DFO रुद्रप्रयाग को कर दी गई है, जिसके रेंजर रुद्रप्रयाग के द्वारा जाँच रिपोर्ट जमा कर दी है। 3-4 दिन में पेड़ काट दिए जाएंगे, जानमाल का नुकसान न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हैलो उत्तराखंड न्यूज, रुद्रप्रयाग।